गाइस, तो गाइस आज हम लोग हेयर ड्रॉ करना सीखेंगे बेसिकली। एंड गाइस ये जो आज हम लोग सीखेंगे हेयर ड्रॉ करना, उसका जो रेफरेंस फोटोग्राफ है वो ऋतिक रोशन का मैंने चूज़ किया था, तो इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड गाइस आज हम लोग चारकोल पेंसिल से हेयर ड्रॉ करना सीखेंगे। जी गाइस, चारकोल पेंसिल्स, अगर आप लोग चाहो तो मैं ग्रेफाइट पेंसिल्स पे भी इसको मतलब ला सकती हूँ कि हाउ टू ड्रॉ हेयर विद ग्रेफाइट पेंसिल्स, पर आज हम लोग चारकोल पेंसिल से सीखेंगे। एंड मैं आपको पूरा बताती जाऊँगी बीच बीच में कैसे आपको करना है एंड कैसे नहीं। सो अगर आप लोग गाइस चैनल पे नए हो तो फटाफट से पहले लाइक कर दो, फिर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड फिर हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एंजॉय द वीडियो, और अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो चलो वीडियो शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर सॉफ्ट पेंसिल यूज़ की है जो हेयर ड्रॉ कर रही थी। तो गाइस बेसिकली आपको हेयर के सबसे पहले स्ट्रोक्स दिखाने हैं, आप जैसे चाहे स्टार्ट कर सकते हो, पहले डार्क लाइन्स देके। या अब गाइस मैंने हार्ड पेंसिल यूज़ की है बेसिकली, जो नीचे की तरफ आ रहे थे ना वहाँ पे थोड़ी सी लाइट पड़ रही थी, इसलिए वो हेयर ना थोड़े से लाइट लाइट से थे, ठीक है। इसके बाद मैंने गाइस बीच में मीडियम पेंसिल से स्ट्रोक्स दिखा दिए जहाँ पे लाइट था। उसके बाद अगर आप सॉफ्ट चलाओगे ना तो आपको काफ़ी तक हाइलाइट्स मिल जाएंगे उसमें, और थोड़ा बहुत इरेज करने से आपको बाकी के हाइलाइट्स भी उसी में मिल जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जब आप करोगे कि ये पेंसिल बहुत ज़्यादा फैलती है, तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान से करना पड़ेगा। एंड ड्रॉ करते वक्त जो लाइट एरियाज है वहाँ पर आप पहले थोड़ा लाइट से स्टार्ट करो, अगर ज़्यादा लाइट है तो हार्ड, और अगर कम हार्ड है तो आप मीडियम का यूज़ करके करो। एंड गाइज ये जो वीडियो है ये थोड़ी टाइम लैप्स है, अगर आप लोग चाहो तो मैं इसका रियल टाइम भी अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए। एंड गाइज अब देखो फाइनली जब आप ब्लेंड कर दोगे ना तो उसके बाद ही हाईलाइट देना, क्योंकि तब थोड़ा इरेज करके आप कर पाओगे, क्योंकि ब्लेंडिंग अगर रह जाएगी और फिर आप ब्लेंड करोगे तो उसके ऊपर फिर से चारकोल का डस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एंड गाइज जब हेयर ड्रॉ करते हो ना तो आपको बहुत पर्टिकुलरली ड्रॉ करने पड़ते हैं, एक एक हेयर का स्ट्रोक दिखाना पड़ता है उसी डायरेक्शन में, ऐसे ही करना है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट पेंसिल्स का यूज़ किया, जैसे हार्ड यूज़ किया, मीडियम यूज़ किया एंड सॉफ्ट यूज़ किया चारकोल में। अगर आप चाहो तो सिर्फ सॉफ्ट से भी काम कर सकते हो, कैसे, जहाँ पर लाइट तो वहाँ पे लाइट छोड़ देना है, ज़्यादा नहीं, वहाँ पे हल्के हल्के, एकदम हल्के हल्के स्ट्रोक्स यूज़ करने हैं। एंड जहाँ पे डीप है वहाँ डीप करने हैं, बट मैंने यहाँ पे तीनों का यूज़ किया क्योंकि मैं चारकोल से ज़्यादा हेयर्स नहीं ड्रॉ करती, इसलिए मैं ग्रेफाइट ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं कुछ मतलब वो पेंसिल यूज़ करना प्रेफर किया। एंड गाइज जब हाइलाइट्स दोगे ना तो थोड़ा रब करने में मुश्किल होगा, तो हाइलाइट्स एक ही बार में आपको देनी है, और ध्यान रखना है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट। गाइज जब आप ये करोगे ना तो आपको अपनी पेंसिल को बहुत ज़्यादा शार्प रखना है, ऐसे ही वर्क करना है। गाइज यही तरीका है करने का आपको, बेसिकली स्ट्रोक्स देखने कहाँ पर जा रहे हैं, पेंसिल काफ़ी ज़्यादा शार्प रखनी है, एंड फिर ब्लेंड करके बाकी टेक्स्चर बनाना है हेयर का, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से हेयर बन रहे हैं। बस ऐसे ही बनाना है, हेयर के डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाते जाना है, ब्लेंड करना है एंड हाईलाइट्स देनी, ऐसे ही बनाना है। गाइज तो ऐसे ही करके बनाते हैं, बस ऐसे ही करना है। एंड गाइज देखो हेयर ऑलमोस्ट बन चुके हैं, ये काफ़ी हद तक मैच कर रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं देखने में। तो गाइज अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी देन लाइक सब्सक्राइब टू फॉलो मी ऑन इंस्टा।